इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। वामपंथी पत्रकारों, पेटिकोट पत्रकारों के दोगलेपन को लेकर है, इनके दोगले चरित्र में इतनी गंदगी है कि हमको और आपको उतरकर इनको आईना दिखाना चाहिए और आईना दिखाने की जरूरत है। हम सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते और सरकार की अपनी एक मर्यादा है, सरकार की अपनी एक सीमा है, सरकार बहुत कुछ नहीं कर सकती। सरकार समाज, बृहत समाज के का एक छोटा सा हिस्सा है, सरकार वो समाज नहीं है और समाज को उठना पड़ेगा। ये जो बरखा दत्त है, ये जो राहुल कंवल है, इतने बदतमीज लोग हैं ये कि जो BHU में जो लोग, जो छात्र बैठकर भजन कीर्तन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, जो धर्म विज्ञान संकाय के छात्र जिनकी एक ही मानना है कि आप संस्कृत पढ़ाने के लिए फिरोज खान साहब को जरूर लाइए, हम सब स्वागत करते हैं, वो हमारे गुरु जी हैं, लेकिन कर्म कांड पढ़ाने के लिए उनको मत लाइए क्योंकि हिंदू कर्म कांड के लिए यज्ञोपवीत करना होगा। क्या फिरोज खान जी करेंगे क्या उस कर्म कांड के लिए जो श्रावणी महीने में पूरा यज्ञोपवीत पूरा यज्ञ होगा उसमें वो भाग लेंगे? तो और क्या वो जो शिव पार्वती जो हमारे मूर्तियां हैं उनकी वो पूजा करेंगे? वो हिंदू कर्मकांड को अगर अपनाते हैं तो स्वागत है, अगर नहीं अपनाएंगे तो वो कैसे हमें कर्मकांड पढ़ा सकते हैं? जो मैं खुद प्रैक्टिस में नहीं करता हूं वो मैं दूसरों को कैसे पढ़ा सकता हूं, दूसरों को कैसे बता सकता हूं? और अभी बहुत सारे अखबार उनकी फैमिली को लेकर छापने लगे, फिरोज खान साहब को खुद संस्कृत पढ़ने के कारण परिवार में कितनी दिक्कत आई, इस्लाम में कितनी दिक्कत आई। मैं मानता हूं दिक्कत आई होगी और फिरोज खान साहब का इसीलिए मैं विनम्र निवेदन करता हूं, भारत में ऐसे मुस्लिमों की बहुत जरूरत है जो भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपनाते हैं। और फिरोज खान साहब के परिवार को मैं इस मामले में साधुवाद देना चाहूंगा कि उनके पिता ने अरबी नाम नहीं रखा अपनी बेटियों का, एक बेटी का नाम कहते हैं वो लक्ष्मी रखा, एक बेटी का नाम शायद अनीता रखा, तो मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मैं यहां ईसा मसीह की एक कहानी से शुरू करता हूं क्योंकि सेक्युलरिज्म जल्दी समझ में आता है लोगों को। एक बूढ़ी थी, वो बूढ़ी अपने बच्चे को लेकर ईसा मसीह के पास पहुंची और उन्होंने कहा कि हे ईश्वर के प्रिय पुत्र, आप जो है मेरा बेटा बहुत ज्यादा मीठा खाता है और ये मीठा ना खाए, इसके लिए आप इसको कुछ कहें, ये मार्ग पर आ जाए, बहुत ज़्यादा मीठा खाता है। ईसा मसीह जी ने कहा कि आप एक महीने बाद, माता एक महीने बाद अपने बेटे के साथ आए। एक महीने बाद माता फिर पहुंचे अपने बेटे को लेकर, ईसा मसीह ने उनकी आंखों में देखा, सर पे हाथ रखा और कहा, बेटा गुड़ खाना मीठा खाना छोड़ दो। माँ गई घर, बच्चे ने मीठा खाना छोड़ दिया। एक महीने बाद माँ आई, बोले इतना ही करना था तो एक महीना पहले भी आप कह सकते थे, आपने एक महीने का समय क्यों लिया? ईसा मसीह ने कहा, इसलिए लिया कि उस समय मैं खुद गुड़ खाता था, खुद चीनी खाता था, मैं खुद मीठा खाता था। जब तक मैं मीठा खाता हूँ किसी से मीठा खाने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ? तो जो आप प्रैक्टिस करते हैं वही आप करेंगे। उन्होंने मीठा खाना छोड़ा, तब उस बच्चे को कहा मीठा खाना छोड़ दो। फिरोज खान साहब जब हिंदू रिचुअल की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो किसी को कैसे प्रैक्टिस समझाएंगे, कैसे कर्मकांड उनको बता को पढ़ाएंगे, कैसे बताएंगे? इसलिए ये जो कुछ मूढ़ता, मैंने कल इसलिए उनको नाम दिया सन्नी लियोनी, सनक कुछ हिंदुओं के अंदर सवार हो गई है। सन्नी लियोनी को पोर्न स्टार रही, इज्जत पा दिया पापा लिया भारत में, तो उसको जिद है कि वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बन जाए। ऐसे कुछ हिंदू हैं जिनको जिद है, जो पूरे दिन हिंदू हिंदू करते हैं लेकिन कुछ ऐसे मामलों में कूद पड़ते हैं क्योंकि सेक्युलरिज्म का बुर्का पहनना बड़ा जरूरी हो जाता है। और ये वो कुंठित लोग हैं, वो मानसिक रूप से कमजोर लोग हैं जिनको लगता है कि हम समानतावादी दिखें, हम निष्पक्ष दिखें। अरे भगवान कृष्ण निष्पक्ष नहीं रहे, चाणक्य निष्पक्ष नहीं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम निष्पक्ष नहीं रहे। युद्ध की अपनी एक नीति होती है, युद्ध के अपने एक शर्त होते हैं। लेकिन ये जो कुछ सनी लियोन से हिंदू हैं जिनकी जो चरित्र का प्रमाण पत्र पंचमक्कार समुदाय से चाहते हैं, ऐसे पंचमक्कार हिंदू कुछ ज्यादा भौंक रहे, मैं भौंक शब्द ही यूज करना चाहूंगा, वो टेलीविजन से लेकर सोशल मीडिया तक ये। और आपको स्पष्ट समझना होगा कि ये जो कमजोर मस्तिष्क के हिंदू हैं वो किसी भी ईसाई और किसी भी मुस्लिम से ज्यादा आपको और हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं इसमें राहुल कमल और बरखा दत्त पे आया था,
कि राहुल कमल जो है वो सरकार से मांग कर रहा है कि इन सबको रेस्टिकेट किया जाए, बीएचयू के छात्रों को इन सब पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। लेकिन जो बीएचयू में जिसने वार्डन के बच्चों का अपहरण किया, वार्डन के 3 साल की बच्चे का अपहरण किया जबरदस्ती सिग्नेचर कराने के लिए, जिसने तोड़फोड़ की, जिसने विवेकानंद की मूर्ति को विरूपित किया, जिसने भारत विरोधी कश्मीर, भारत विरोधी पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए, उसके लिए ये लोग कहते हैं वो तो अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उन छात्रों पर अगर कार्रवाई कहेंगे तो कहेंगे लोकतंत्र का की हत्या हो रही है, तानाशाही है, फासीवाद है। लेकिन जो बीएचयू में विरोध कर रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ करके, भजन कीर्तन करके, उसको ये लोग कहते हैं कि रेस्टिकेट कर दो, इनको सजा दे दो। राहुल कमल और बरखा दत्त का ये जो दोगलापन है इसको उजागर करने की जरूरत है। और आप सबसे मैं कहूंगा कि ट्विटर पर जाइए और इन दोनों के उस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए, उस पर कोट करते हुए इनको आईना दिखाइए सभ्य भाषा में। क्योंकि हम जब गाली गलौज करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे जो संस्कार हैं घर के वो चूक रहे हैं और हमारे पास तथ्य और तर्क नहीं है।